हेलो माय डियर फ्रेंड्स आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल दैट इज़ बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल्स। सो इन दिस सीरीज वी आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश एंड दिस इज डे फोर एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फ्यू सेंटेंसेस व्हिच आर यूज्ड इन डे टू डे कन्वर्सेशन इन डिफरेंट वेज आज हम लोग वो दस लाइने सेंटेंसेस देखेंगे जो कि हम लोग यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में लेकिन जिस तरीके से हम लोग उसका यूज़ करते हैं इस्तेमाल करते हैं उससे पता चलता है कि हम लोग बिगिनर्स हैं या फिर हम लोगों का इंग्लिश एडवांस लेवल में पहुंच चुका है सेंटेंसेस विच आई हैव मेन्शनड हियर इट शोज दैट वेदर वी आर इन बिगिनर्स लेवल और एडवांस लेवल सो लेट्स सी दीज टेन सेंटेंसेस एंड लेट्स जज आर सेल्स

कोपरेट करेंगे तो हम लोग अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों को जो भी आप लोग डेली बोलते हैं उसको आप नोट बनाइए और हम लोगों को सेंड कीजिए हम लोग ज़रूर उसको रेक्टिफाई करेंगे और आप लोगों को करेक्शन करके प्रोवाइड करेंगे और अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो आप लोगों का चेक करूँ तो श्योरली आप कमेंट सेक्शन में वीडियो सेंड कीजिए वहाँ पर क्या क्या मिस्टेक्स हैं मैं जितना मैं जानती हूँ उसके लेवल पे जज करके आपको भेजूँगी उससे क्या होगा कि हम लोग जेनुइनली अपने ड्रॉबैक्स चेक कर पाएंगे और उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में और देखते हैं वो दस लाइनें जो मैंने अभी आप लोगों को बताया और हमेशा ध्यान में रखिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है डे टू डे प्रैक्टिस करना है रूटीन वाइज करना है ताकि हम लोग एक दिन अपना जो मिशन है वो अकमप्लीश कर पाए ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने लिया है वो है ये आई विल कंप्लीट माय वर्क जब हम लोग बोलते हैं कि मैं काम कंप्लीट करूंगा ठीक है तब हम लोग सिंपल या बिगिनर्स जो लोग हैं वो बोलेंगे आई विल कंप्लीट माय वर्क मैं मेरा काम कंप्लीट करूंगा या करूंगी लेकिन अगर वो स्टूडेंट या कैंडिडेट थोड़े से एडवांस लेवल में पहुंच चुका है तो वो बोलेगा आई विल अकम्प्लिश माई टास्क ठीक है तो कम्प्लीट को अकम्पलिश में अकम्पलिश के साथ वो रिप्लेस करेगा और वर्क को बोलेगा टास्क और राइट तो अकम्पलिश का माने क्या है इसको इसका माने भी सेम है सक्सेसफुली कंप्लीट करना ठीक है किसी भी काम को सक्सेसफुली अंजाम तक पहुंचाना तो हम लोग नेक्स्ट टाइम बोलेंगे आई विल अकम्पलिश माई टास्क राइट आई होप फर्स्ट नंबर क्लियर है आपको अब हम लोग मूव करेंगे पॉइंट नंबर टू यहाँ पे सेंटेंस मैंने लिया है ये आई स्टडीड इन आर्मी स्कूल दार्जिलिंग तो ये जो है ये बिगिनर्स के लिए है अब एडवांस लेवल में कैसे बोलेंगे आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम आर्मी स्कूल दार्जिलिंग ओके आई डेड माई स्कूलिंग फ्रॉम आर्मी स्कूल दार्जिलिंग स्कूलिंग और स्टडीज ये सेम है इसकी वजह से इसका मीनिंग चेंज नहीं होता ये दोनों सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई बोले कि आपने पढ़ाई कहाँ से की है तो आप बोलेंगे आई डेड माई स्कूलिंग फ्रॉम सो एंड सो स्कूल जो भी आपका स्कूल है वो यहाँ पे लगा दीजिए वो आपका करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा ठीक है नेक्स्ट नंबर थ्री है आई विल गिव यू वाटर अगर कोई पूछे कि कैन यू गिव मी वाटर राइट या फिर किसी को uh, हिंच के आ रही है तो आप पानी देना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे सिंपल सेंटेंस में जो कि बिगिनर्स के लिए है आप बोलेंगे आई विल गिव यू वाटर लेकिन थोड़े से अब आगे आगे बढ़ चुके हैं दो कदम बाकी लोगों से तो आप बोलेंगे आई विल फेच यू वाटर फेच का मतलब है जाके लेके आना ठीक है जाके लेके आना किसी जगह पे आप है वहां से जाके वापस लेके आना तो उसको बोलेंगे फेच राइट तो जो भी स्पीकर है आप उसके पास में है आप उसके लिए जाके पानी लाएंगे राइट इसको बोलते हैं फेच राइट right? तो आप बोलेंगे आई विल फेच यू वॉटर आई होप थर्ड वन इज क्लियर टू यू लेट्स मूव टू अनदर इज दिस वे इज योर रियल होम आपका ओरिजिनल घर कहां पे है ठीक है आपका जो मेन घर है वो कहां पे है ये पूछना चाह रहा है स्पीकर आपको इस तरीके से थोड़ा सा बेटर वे थोड़ा सा रिफाइंड वे में पूछना है वे आर यू फ्रॉम ओरिजिनली ये एक तरीका हो गया इसको आप ऐसे भी पूछ सकते हैं आप वाले को करेंगे। I mean, second line को को करेंगे। दोनों ही advanced लेवल को ही रेफर करते हैं। अगर आपको पूछना है कि सामने वाला कहां से है ओरिजिनली तो आपको ये सेंटेंस यूज करना है ताकि आपका स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश उनको भी पता चले ओके नेक्स्ट है वट जस्ट अ सेकेंड लेट मी रिमूव ऑल दिस ओके लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट इज दिस वट कैन आई डू फॉर यू मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ या मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं यह क्वेश्चन को हम लोग कैसे पूछ सकते हैं इज देर एनी थिंग आई कैन हेल्प यू विथ ठीक है इज देर एनी थिंग आई कैन हेल्प थ ये एक सेंटेंस हो गया यहीं पे मैंने दूसरा वर्ड लगाया है एड ए आई डी एड मतलब हेल्प ठीक है जो कि फर्स्ट एड में भी लिखा होता है ना फर्स्ट एड पहला हेल्प राइट right? तो ये एड हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं इज देर एनीथिंग आई कैन एड यू विथ ओके बोथ द सेंटेंसेज आर करेक्ट एंड दिस शोज दैट योर लेवल इज अपग्रेडेड वन राइट लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन वाई आर यू हि आप यहाँ पे क्यूँ हो किस कारण से हो इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं सो वक्स यू हेयर टूडे ओके सो वट ब्रिंक्स यू हेयर टूडे पोलाइट वे में हो गया ये रूड हो गया जैसे यहाँ पे क्यों हो तुम ठीक है यहाँ पे क्यों हो क्यू मड्रा रहे हो यहाँ पे ये सा, मतलब एक्सप्रेस uh, होता है ये वर्ड है अगर मैं डायरेक्ट बोलू तो लेकिन अगर ये सेकंड सेंटेंस वाला मैं यूज करूंगी तो एक पोलाइटनेस से लगता है सो वट ब्रिंग्स यू हियर टूडे यहाँ पे आप आज किस लिए आए हैं राइट नेक्स्ट है डू यू कम हेयर डेली ये सिंपल लोगों के लिए सिंपल बिगिनर्स के लिए है और हमको थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे तो बोलेंगे डू यू कम हियर ऑफन ऑफन मतलब कोई चीज जो कि फ्रिक्वेंटली होता हो डेली होता हो ओके okay? तो हम लोग यूज करेंगे सेकेंड वाला नेक्स्ट है लेट्स मीट फॉर द पार्टी ऑन मंडे लेट्स मीट फॉर द पार्टी ऑन मंडे तो ये तो सिंपल है हम लोग बुलाते रहते हैं पार्टी के लिए चलो यहाँ मिलते हैं वहां मिलते हैं इस रेस्टोरेंट में मिलते हैं उस जगह पे मिलते हैं कैफे में मिलते हैं तो उसको ना कह के हम लोग क्या बोल सकते हैं लेट्स कनेक्ट फॉर द पार्टी ऑन मंडे अगर मंथ को बताना है तो इन लगेगा ठीक है इन मैंने बोला डे तो ऑन लगाया मैंने बोला मंथ तो इन लगाया और जब मैं टाइम बोल रही हूँ स्पेसिफिक तो मैंने लगाया एट ठीक है तो आप इसको कोई एक को ले लीजिए सभी फिट नहीं होगा इस सेंटेंस में कोई एक ले लीजिए आपको फोकस करना है ये कनेक्ट में जिससे कि हम जो कि हम लोगों के सेंटेंस का कोर पार्ट है मेन पार्ट है राइट लेट्स कनेक्ट फॉर द पार्टी ऑन मंडे एट 4:30 पीएम आई होप इट्स क्लियर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे बे झिझक पूछ सकते हैं ऑलराइट आई नेवर सॉ व्हाट नो यू जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि मैं मैंने आपको देखा नहीं लेकिन मैं आपके बारे में जानती हूँ या जानता हूँ आई नेव बट आई नेवर सो यू बट नो यू ये बहुत डायरेक्ट और विदाउट एनी एसेंस हो रहा है ठीक है तो इसको हम लोग ऐसे मॉडिफाई करके बोलेंगे आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू फ्रॉम माय फ्रेंड्स फ्रॉम माय माय रिलेटिव्स फ्रॉम मदर ओके तो ऐसे आपको बोलना है है नेक्स्ट व्हाट आर यू डूइंग इन वीकेंड आप ये जो सप्ताह का एंड है उसमें क्या कर रहे हैं इसको हम लोग थोड़े से बेटर वे में बोलेंगे वट आ योर प्लान्स फॉर द वीकेंड आप का इस वीकेंड में क्या प्लान्स हैं ओके तो इस तरीके से हम लोग को बोलना है तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ फिर से आऊँगी तब तक के लिए आप लोगों का कमेंट लाइक्स और कोऑपरेशन के लिए हम लोग हमेशा वेट करेंगे जब तक हम लोग फिर से मिलेंगे तब तक के लिए अलविदा थैंक यू फ्रेंड्स